तो बड़ी जानकारी है, एसीबी ने गिरफ्तार किया है। वायरल के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है, एसीबी ने गिरफ्तार किया है। सौम्या गुर्जर के पति को गिरफ्तार किया गया है एसीबी की तरफ से, और वीडियो वायरल मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, तो सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गिरफ्तार किए गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसीबी ने गिरफ्तार किया है। 10 जून को एक ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसके अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम में तत्कालीन मेयर के पति के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच में भारी रिश्वत के ऑफर होने और मांगने और उस पर ऑफर को स्वीकार करने की बातें दिखाई गई थी। उस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक प्राथमिक जांच दर्ज करके और उस ऑडियो वीडियो क्लिप को फोरेंसिक्स लेबोरेटरी में भेजा गया था। हमने दो फोरेंसिक लेबोरेटरीज की हेल्प ली है, राजस्थान फोरेंसिक लेबोरेटरी की और एक अन्य राज्य की प्रतिष्ठित एफएसएल की हमने हेल्प ली है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद और सारे जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण करने के बाद प्राइम एफएसआई ये रिवील होता है कि एक पब्लिक सर्विस के लिए, लोक सेवा के लिए, लोक सेवक से जुड़े हुए घनिष्ठ रिश्तेदार द्वारा रिश्वत मांगी गई है और एक कंपनी द्वारा रिश्वत ऑफर की गई है और एक अन्य व्यक्ति की सहयोगात्मक उपस्थिति उसमें रही है। तो इन सब को देखते हुए हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में हमने चार जांच के अनुसार चार लोगों को नामजद किया है। श्री राजाराम जो कि तत्कालीन मेयर के पति हैं, बीवीजी कंपनी के दो प्रतिनिधि हैं संदीप चौधरी और श्री ओमकार सर्वे ओमकार सप्रे, और एक अन्य व्यक्ति श्री निम्बाराम की उसमें उपस्थिति है। इन चारों व्यक्तियों के विरुद्ध और अन्य के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। 120-20 हाथ में उसके लगी है। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में अनुसंधान अधिकारी ने श्री राजाराम को और श्री ओमकार सप्रे को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। तफ्तीश का क्लोज सुपरविजन हमारे एडीजी श्री एम एन दिनेश द्वारा किया जा रहा है। बातचीत करते हैं दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दिनेश, सौम्या के पति को गिरफ्तार किया है कारी? जी देखिए, बीवीजी कंपनी के लेन देन के मामले में आज तीन डेवलपमेंट देखने को मिले। सबसे पहले इस मामले में आज मुकदमा दर्ज हुआ, फिर राजाराम को पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। साथ ही जो कंपनी प्रतिनिधि है ओम प्रकाश सिप्रे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। एक खास बात है कि जो एक संगठन के पदाधिकारी है निम्बाराम, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उन पर आरोप लगाया है कि जो लेन देन का मामला है उनमें उनका भी सहयोग रहा है ऑफर देने में। तो मामले में रिश्वत लेने और रिश्वत का ऑफर देने वाले दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएल सोनी का कहना है कि आगे भी तफ्तीश यहां पर जारी रहेगी और उसके बाद कंपनी के एक और प्रतिनिधि और निम्बाराम की गिरफ्तारी या होगी या नहीं, ये बाद में साफ होगा। लेकिन कह सकते हैं कि जयपुर ग्रेटर की निलंबित मेयर की मुश्किलें लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। कल का दिन उनके फैसला जो है खिलाफ आया और आज उनके पति का रिश्वत के मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अब लगातार मुश्किलें यहां पर बढ़ती जा रही है और एक नैतिक दबाव भाजपा पर बढ़ता जा रहा है। क्या दोनों को पार्टी से निकाला जाएगा या जो महापौर पद है उसे इस्तीफा लिया जाएगा? हालांकि अभी भाजपा बैकफुट पर है क्योंकि मामले में लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप कांग्रेस पर लगाए थे। तो अभी दो महीने एक बार भाजपा इस मामले में साइलेंट रहेगी और फिर पीछे के रास्ते से फैसला ये तय है कि सौम्या गुर्जर को आगे सुप्रीम कोर्ट भले ही उनके पक्ष में फैसला दे, महापौर रखा जाएगा। तो वहीं कह सकते एक जो आरएसएस के पदाधिकारी है, इन मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है नीमर, तो उनकी भी यहां पर बढ़ सकती है। हालांकि अभी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जिस जगह यह वीडियो बनाया गया है उस जगह भी आज एमएन दिनेश ने बताया और सूत्रों के मुताबिक सेवा सदन के एक कमरे में जो कॉरपोरेट जो पदाधिकारी है या कंपनियां उनसे बातचीत की जाती है उस रूम में ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। ये तमाम चीजें जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया दिनेश इस बातचीत और जानकारी के लिए।